हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर है और मैं रिव्यू करने वाला हूँ डिजिटेक का लाइट स्टैंड। ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा है, जहाँ मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाऊंगा तो ये हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने सोचा इसका अनपैकिंग और रिव्यू आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए इस प्राइस में ये प्रोडक्ट आपको परचेस करना है या नहीं। तो चलिए इसकी अनपैकिंग करते हैं। साइड में रखते हैं। ओके, तो ये रहा लाइट स्टैंड। इसके कवर पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि सस्पेंशन, और यहाँ पर जो है आपको थ्री सेक्शन लॉक, इस तरह के कुछ दिए हुए हैं। और यहाँ पर मेड इन इंडिया का लोगो लगा हुआ है। जब मैंने वेबसाइट में चेक किया था, मैंने ये अमेज़न से परचेस किया है, जहाँ डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। इसका मतलब इसे, इसके पार्ट्स को इंपोर्ट किया गया है चाइना से, और यहाँ असेंबल करके दिल्ली की एक कंपनी है वो सेल कर रही है। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट। तो ये रहा हमारा लाइट स्टैंड। वैसे तो थोड़ा कॉम्पैक्ट लग रहा है और लाइट वेट भी है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका वेट 500 ग्राम लिखा गया है, बट ये 800 ग्राम से 1 केजी इसकी वेट लगती है। और जो थ्री लॉक्स कहे गए थे, ये थ्री लॉक्स है। आप इन थ्री लॉक्स को ओपन करके इसे एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह से, जिस जो भी हाइट चाहिए। यहाँ हेड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर इस कैप को अगर आप ओपन करें तो इसमें आप अपने रिंग लाइट को भी माउंट कर सकते हैं, या फिर आप जो मोबाइल होल्डर आता है डायरेक्टली उसे माउंट करके अपने मोबाइल से भी इसे आप ट्राइपॉड की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट ये एक स्टिल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ये आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे, ये ट्राइपॉड की तरह। हाँ, उसके लिए एक अलग माउंट आता है, एक है, उसे अगर आप यहाँ असेंबल कर दें तो फिर ये ट्राइपॉड की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो इसे मैं अभी बंद करता हूँ, मैं आपको लगा के दिखाऊँगा। ये सबसे पहले तो ओपन करते हैं, ये जो लास्ट क्लिप है, थर्ड क्लिप, इसे आपको ओपन करना है। और यहाँ जहाँ पे भी इसका स्क्रू लगा हुआ है, जो इसे आप थोड़ा सा ऐसे वाइड कर लीजिए सभी तरफ से, इस तरह से। फिर आप क्लिप को पकड़ के इसे अपने तरफ पुल करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट न्यू है तो थोड़ा सा ये हार्ड रहेगा, जो एक दो बार आप करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर यहाँ से आप इसे पुल पुश कर रहे हैं और गलती से कहीं ये स्लिप हो गया और आपका हाथ यहाँ रह गया तो चोट लग सकती है। तो ये एल्यूमिनियम अलॉय से बना हुआ है ये मटेरियल। ऐसे देख के तो ये स्ट्रांग लग रहा है, इसके जो स्ट्रिप्स आप देखिए, स्ट्रिप्स भी स्ट्रांग लग रहे हैं। तो चलिए इसकी हाइट चेक करते हैं। मैं दूसरी क्लिप ओपन करता हूँ। मटेरियल तो ऐसे मुझे स्ट्रॉन्ग और ये स्टैंड ठीक ही लग रहा है। तो कंपनी ने इसे 6 फीट कहा है, बट मैंने रिव्यू चेक किया था इसका, एक्चुअल में ये 6 फीट से थोड़ा कम है। तो चलिए इसकी हाइट चेक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो हाइट चेक करने के लिए इसे मैक्सिमम हम एक्सटेंड तक इसे इस तरह से मैं कर लूँ, ताकि मैक्सिमम हाइट हमें मिल सके। तो ये है स्टैंड की कंप्लीट हाइट, जो आप देख सकते हैं, देख के करीब 5 फीट लग रहा है ये। तो चलिए मैं इस, मेरे पास एक टेप है, मैं इसे मेज़र करता हूँ टेप के थ्रू। तो बॉटम से हम ले लेते हैं पूरा, 5.2 है, 5 फीट 2 इंचेस, तो 6 फीट नहीं है ये कम्प्लीटली, ये 5 फीट 2 इंचेस है। इसकी प्राइस अमेज़ॉन पे करीब 600 है, 600 to 630-640 रुपीज़ इस तरह से। स्टैंड एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये ड्यूरेबल होगा। जब भी आप इस स्टैंड को यूज़ करें तो अगर इसे आप थोड़ा सा वाइड रखेंगे, इसके जो स्टैंड है यहाँ पर, उसे थोड़ा सा इसे पुश करके, तो ये एक आपको स्टेबल, यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा देगा आपका, जो भी आप यहाँ पे लाइट या फिर मोबाइल को आप यहाँ पे माउंट कर रहे हैं उसमें। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस स्टैंड की जो कंप्लीट हाइट है वो 6 फीट से कम है, 5 फीट 2 इंचेस है, बट क्योंकि मुझे ये एक तरह से ओके लग रहा है तो मैं यूज़ कर लूँगा। और इसमें दूसरा वेरिएंट भी है जो 9 फीट का है, आई थिंक वो भी 9 फीट से कम होगा, उसकी प्राइस 750 कुछ ऐसी थी। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी जो ये लाइट वेट स्टैंड है, यानी कि इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम आप 1.5 to 2 kg, उससे ज़्यादा अगर आप इस पे लोड लगा रहे हैं तो वो रिस्की हो सकता है।
इसके क्लिप्स जो हैं ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये कॉम्पैक्ट साइज़ है, आप इसे टेबल पे रख के भी आप अपने वीडियोस शूट कर सकते हैं, और आप जो है इसे ज़मीन पे रख के भी आप इसमें मोबाइल करके रिंग लाइट जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। और कहीं अगर आप आउटडोर में शूटिंग करना चाहते हैं तो इसे आप इस तरह से अपने बैग में कैरी भी कर सकते हैं। तो एक तरह से कॉम्पैक्ट है, वेट 1 kg, डेफिनेटली 1 kg के आसपास है। तो मेरे हिसाब से हाइट इसकी देखी जाए तो वो थोड़ी सी कम है 1 feet, बट उसे छोड़कर बाकी सभी इसमें बहुत ही अच्छा है। आप बिल्कुल इस डिजिटेक जो लाइट स्टैंड है इसके लिए आप जा सकते हैं। ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्टैंड मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेस किया था, इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। मैं और भी कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ जिसके रिव्यूज़ मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।